हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप सबको घर पे पॉपकॉर्न बनाने सिखाऊंगी। आप देखिएगा ये कितने आसान तरीके से बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सूखे दाने हैं पॉपकॉर्न के, इसे हम कुकर में बनाएंगे। ये देखिए हमने कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है, उसके अंदर हमने नमक डाला है। इसे थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखिए गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपने पॉपकॉर्न के दाने डालेंगे। ये देखिए इतने दाने हमने बचा लिए हैं। अब इसे एक बार हम मिक्स करेंगे, उसके बाद इसके ढक्कन को ढक देंगे। जब तक ये दाने पकेंगे तो आप ढक्कन संभल के उठाएं, क्योंकि ये ऊपर तक उड़ के आते हैं। देख सकते हैं ये उड़ उड़ के बाहर आ रहा है। अभी भून चुका है तो हम अपने गैस को बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। अभी हम इसका ढक्कन नहीं हटाएंगे, क्योंकि अभी भी ये उछल के बाहर आ सकता है। अब आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक छलनी की सहायता से छानेंगे। हम देख सकते हैं पॉपकॉर्न हमारा कितना खिला खिला बना है। जब भी बच्चों को पॉपकॉर्न खाने का मन हो, हम इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। इसे हम अच्छे से छान लेंगे, उसके बाद ठंडे होने के बाद फिर हम इसे बच्चों को दे सकते हैं खाने के लिए। आप देख सकते हैं हमारा नमक ठंडा हो चुका है। इसे हम फिर से गर्म होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमारे अभी पॉपकॉर्न के दाने बचे हुए हैं। और हम वही प्रोसेस दोहराएंगे। अब हम अपने सारे पॉपकॉर्न के बचे हुए दाने ऐड करेंगे और इसे फिर से मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसे भी पहले की तरह ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट के अंदर ही ये अच्छे से बन के रेडी हो जाता है। तो हमने इसे भी पहले की तरह ही बना लिया है। अब इसे भी छान लेंगे। अब देखिए इसे भी छान के मैंने रख लिया। अब आप देख सकते हैं हमारा पॉपकॉर्न रेडी है। अब आपका जब भी मन हो पॉपकॉर्न खाने का, तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं और खा सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।